जवानों की कमी से जूझ रही भारतीय सेना। राज्यसभा में बोली मोदी सरकार, सेना को नए मेजरों की दरकार। एसएससी के जरिए रिक्त पद भरेगी सरकार। नमस्ते, मेरा नाम है वैभव और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदी खबर डिजिटल। संसद में मॉनसून सत्र चल रहा है जिसमें विपक्ष लगातार मणिपुर मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है, जिस वजह से संसद की कार्रवाई लगातार बाधित हो रही है। लेकिन इसी बीच सरकार ने एक बड़ी जानकारी राज्यसभा में साझा की है। सरकार के रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने सोमवार को राज्यसभा में यह जानकारी दी कि सशस्त्र बलों के पास अफसरों की कमी है। रक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि भारतीय सेना में 2094 मेजर पद, 4734 कैप्टन पदों की कमी है, लेकिन करीब 14 लाख कर्मचारियों वाली सेना में 630 डॉक्टर, 73 डेंटिस्ट और 701 नर्सों की कमी है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने सोमवार को राज्यसभा में कांग्रेस सांसद कुमार केतकर के लिखित प्रश्न के जवाब में यह जानकारी संसद को दी। सरकार ने कहा, मेजर और कैप्टन रैंक के अफसरों की कमी के पीछे कोविड-19 महामारी के दौरान कम भर्तियों को जिम्मेदार माना जा सकता है। कोविड-19 महामारी के दौरान सभी कैडर्स में कम भर्ती हुई, जिस वजह से ये पद रिक्त रह गए। भट्ट ने यह भी जानकारी दी कि सरकार जल्द शॉर्ट सर्विस कमीशन को आकर्षक बनाने पर काम करेगी और रिक्त पदों को जल्द भरा जाएगा। ऐसी ही खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए हिंदी खबर डिजिटल।